सो भाई वेलकम एवरीबॉडी। आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछली बार बड़ा मजा आया था डॉक्टर साहब के साथ और आज भी मजा आएगा, आई एम डैम श्योर। और आज हमारा जो टॉपिक है सो वो क्या है आपको बताते हैं। कंसल्टेशन वाले भाई साहब जो वेट करें। ओके, नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और आज हमारे साथ एक बार फिर हैं हमारे एक्सपर्ट टॉक में डॉक्टर जय मेहता। ही इज एन एक्सपर्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई एंड इनका श्री आईवीएफ क्लिनिक भी है, अपना श्री आईवीएफ सेंटर है पूरा, बहुत अच्छा खासा बढ़िया। और ये इंडिया के जो रेफरल सेंटर्स हैं फॉर अ लॉट ऑफ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, इंक्लूडिंग आपके अगर स्पर्म काउंट लो है, आपका अगर एएमएच लेवल्स कम है, आपके ओवेरियन रिजर्व कम है, सो ही इज द गाय यू नीड टू गो टू। सो वील टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट फीमेल्स, कि अगर उनका एएमएच कम है, अगर उनके ओवेरियन रिजर्व कम है, सो पहले तो एएमएच क्या होता है, ओवेरियन रिजर्व क्या होता है, एंड हाउ कैन यू नो कि आपका कम है, और वो बढ़ाना कैसे है, व्हाट आर द ऑप्शंस अगर कम है, और आप अभी से अगर चिंतित हैं कि भी आगे चल के बेबी होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड टुडे। सो वेलकम डॉक्टर जय, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. थैंक यू डॉक्टर परंजीत फॉर हैविंग मी ओवर वन टाइम मोर. ओह दैट्स वेरी वेरी नाइस ऑफ यू टू स्पेंड सम टाइम। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले डायरेक्ट आप बताइए, ये एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या चीज है लोगों के लिए? देखिए, एएमएच इज एन इंडिकेटर. एएमएच मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ, एएमएच जो एंटी मुलेरियन हार्मोन रहता है, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मच बैलेंस ऑफ एग्स यू हैव इन योर ओवरी. यू नो, अगर हम हमारी गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना पेट्रोल टैंक पे जाके, कोई भी फ्यूल टैंक पे जब हम जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, भाई फुल टैंक कर ले, यू नो, गाड़ी में. तो ये भगवान ने, है ना, गॉड हैज गिफ्टेड एवरी लेडी विद अ फुल टैंक एट बर्थ ऑफ एग्स. ओके, दिस टैंक इज फुल एट बर्थ, एंड जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते रहते हो, पेट्रोल कम होते रहता है. यू नो, एब्सोल्युटली. फॉर्चुनेटली गाड़ियों में ऑप्शन है कि आप पेट्रोल रिफिल कर सकते हो, जब जब कम हो गया तो फुल टैंक वापस कर लो. पर भगवान ने ये ऑप्शन, है ना, लेडीज को नहीं दिया है. दिस टैंक इज फ्यूल्ड ओनली वंस एट बर्थ, उसके बाद में इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग, एंड लॉट ऑफ वुमेन नो दिस. यू नो, इसी के वजह से मेनोपॉज होता है, जब एब्सोल्युटली. ओवरीज में कोई एग्स बचे नहीं है, देर आर नो फंक्शनल एग्स रिमेनिंग इन दी ओवरी, दैट्स वेन द पीरियड स्टॉप, एंड दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. यू नो, एंड एएमएच आपको ये एक इंडिकेशन देता है कि आपके ओवरी के अंदर फ्यूल टैंक में, मतलब फॉलिकल्स का या एग्स का बैलेंस कितना है, एंड दैट इज व्हाई इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो दैट्स वेरी नाइस. तो एएमएच एक हार्मोन हो गया, राइट? सो ये आपके बेसिकली इनके बोथ, वैसे तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज आपके बनाते हैं, एंड मेल्स में भी होता है जैसे फीमेल्स हाँ में हाँ होता है, होता है, सेम पर टू लेवल. बहुत कम क्वांटिटी में. मेल्स में होता है पर बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम. सो हम अगर बात करें कि एएमएच ये हर फीमेल को तो कराने की जरूरत नहीं होती है, कि होती है? आइडियली सी, जब कभी भी कोई फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट अप्रोच करता है, या एक्चुअली क्वेश्चन तभी आता है, सी व्हेन समबडी इज वांटिंग टू गो फॉर अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, उसी टाइम पे लोग एएमएच की टेस्ट करवाते हैं. कितने ऐसे लोग होंगे जिनका एएमएच लो होगा, बट दे वुड हैव कंसीव्ड नेचुरली, तो उन्होंने लाइफ में कभी वो टेस्ट ही नहीं किया. यू नो, उनके हिसाब से तो उनका लो एएमएच में भी कंसीव हो गया. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो लेट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ओवेरियन रिजर्व को एएमएच कैसे इंडिकेट करता है. व्हाट इज द बेसिक बैकग्राउंड हियर, मेडिकल बैकग्राउंड इनसाइड? या सो व्हाट हैपेंस इज, इनसाइड द ओवरी एट बर्थ, एज आई सेड, देयर आर फॉलिकल्स, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, जो बर्थ पे रहते हैं. यू नो, हर बारी व्हेन अ लेडी गेट्स इनटू मेंसिस, आउट ऑफ लेट्स से देयर आर 1 लाख एग्स इन इन एन ओवरी, यू नो, करेक्ट. हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉमनली लोगों ने सुना है कि एक एग रप्चर होता है या एक एग बनता है, पर आइडियली वो एक एग को अच्छा बनाने के लिए 10 लोग रिक्रूट किए जाते हैं कि भाई 10 एग तुम आ जाओ. अभी नेचर सिलेक्ट करेगा कि तुम 10 में से सबसे नंबर 1 वाला कौन है, और वो नंबर 1 रिक्रूट होता है. यू नो, उस हिसाब से एएमएच जो है ना, ये आपको ये बैलेंस में 9,99,000 है या नहीं ये बताता है. एएमएच आपको ये नहीं बताता है कि कितने लोग रिक्रूट हुए, एएमएच ये बताता है कि अभी पेंडिंग कितने लोग हैं. ओके, सो एएमएच
अगर अच्छा है तो वी कैन से कि अच्छा ओवेरियन रिजर्व है, और एएमएच अगर लो है तो उसका मतलब ओवेरियन रिजर्व कम है. ओवेरियन रिजर्व अगर आई जस्ट मॉडिफाई दिस, एएमएच अगर नॉर्मल है तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर एएमएच बहुत ज्यादा है दैट मींस कि बहुत ज्यादा एग्स रिक्रूट हो रहे हैं, और उस कंडीशन को हम कॉमनली बोलते हैं पीसीओएस. ये बहुत कॉमन कंडीशन है, यू नो, एंड दैट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, दैट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इफ यू लुक एट इट. उसी हिसाब से एएमएच जब बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत लो वैल्यू में होता है, दैट मींस नंबर ऑफ एग्स विच कैन बी रिक्रूटेड इज वेरी पुअर, एंड दैट कैन कॉज सिवियर अमाउंट ऑफ इनफर्टिलिटी. So, AMH, इन चीजों के अलावा और कोई इंडिकेशन और कोई इंफॉर्मेशन भी हमें देता है कि सिर्फ क्वांटिटी और क्वालिटी प्रीडोमिनेंटली, फर्टिलिटी एंड क्वालिटी. एंड व्हाट दिस एस्पेक्ट जो आपने बताया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्या उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए भी AMH के टेस्टिंग होते हैं? हम रूटीनली करते हैं लोगों के लिए, बट इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब वो उस चीज का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है. पर कॉमनली पीसीओएस में एएमएच का वैल्यू बहुत हाई दिखता है, एंड इसीलिए पीसीओएस में इनफर्टिलिटी होती है. जब भी एएमएच नॉर्मल लेवल के पार चला जाता है, या ये पार या वो पार, इधर विच वेज, बहुत कम या बहुत ज्यादा, ये दोनों सिचुएशंस में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है. तो टेक्निकली अगर एएमएच एक हर साइकिल में ऊपर नीचे होगा टेक्निकली देखा जाए तो, राइट? एक्चुअली कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. AMH, आगे चल के अगर आप देखें, जब ओवेरियन रिजर्व कम होगा तो AMH कम होगा तो ऑब्वियसली, बिल्कुल है ना? या तो ऐसा फिक्स तो है नहीं कि आपके 10 ही ओवरी के ओवम निकलेंगे या 12 ही कोई, बिल्कुल नहीं. इट्स नॉट फिक्स्ड, ऑब्वियसली इट्स नॉट फिक्स्ड. मे बी कभी 8 होते होंगे, कभी 10 होते होंगे, कभी 12 होते होंगे. सो AMH की वैल्यू भी वेरी करती होगी उसके साथ. अगर हम एवरेज देखें, then the AMH value will keep on reducing by around 10% every year. हर साल AMH की value 10% से कम होती है. De facto, exactly. कोई कुछ भी करे या कोई कुछ भी ना करे, AMH की value कम होती है. Simple बात है. और वो जाके आपके menopause में AMH आपका बहुत ज्यादा low हो जाएगा technically. Virtually zero, yeah. Virtually zero. And अगर वो आपके menopausal age में हो रहा है तब तो ठीक है. 50, 50, 45, 50, अगर वो यंग एज में वो कम हो गया है तो दैट इज इंडिकेटिव कि आपका ओवेरियन रिजर्व खत्म बहुत पुअर है. या बहुत है. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन देयर आर मेनी रीजंस व्हाई दिस कैन हैपन, राइट? यंग एज में, अर्ली एज में आपका एएमएच बहुत पुअर हो जाए बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, मे बी सम एनवायरमेंटल रीजन, मे बी सम मोस्ट कॉमन इज एनवायरमेंटल. सो अगर AMH कम है और एक फीमेल नहीं कंसीव कर पा रहे तो देन व्हाट कैन बी डन? सी नॉर्मली ना, वेन एवर द AMH वैल्यू इज लेस देन 1.5, उस चीज को हम टेक्निकली बोलते हैं कि AMH कम है. उसके ऊपर के जो बॉर्डर लाइन वैल्यूज रहते हैं 1.5 और 2.5 के बीच में, तब तक कोई टेंशन नहीं होता है. दीज वुमेन कैन इजिली कंसीव नेचुरली, दीज वुमेन कैन कंसीव विद वेरी बेसिक असिस्टेंस. पर जब AMH ये 1.5 के नीचे चला जाता है ना, तो कोई भी नॉर्मल लेवल की मेडिकेशंस, कोई भी नॉर्मल लेवल का डाइट चेंजेस, कोई भी नॉर्मल लेवल के लाइफस्टाइल चेंजेस काम नहीं करते. ये सिचुएशंस में फिर लोगों को ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, यू नो, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स विच आर नीडेड एट दिस लो वैल्यूज ऑफ AMH विल पॉइंट टुवर्ड्स IVF. सो IVF मींस आप जाके अंदर से आप जो बच्चे कुचे ओवम्स हैं उसमें से कोई रिक्रूट आप खुद ही करेंगे एंड वी विल स्टार्ट डूइंग इट बाहर से. दैट्स बाहर से. तो ये आप 1.5 के नीचे करते हो, है ना? एक टिपिकली 1.5 के नीचे. ओके. एंड अगर कोई फीमेल है जिसका 1.5 नहीं पहुंचा है, स्टिल वो नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे, तो क्या ट्राई करो थोड़े दिन. अंजीर है, अगर आप इंडियन डाइट में देखते हो तो अंजीर है. ऑलिव ऑयल है, यू नो, मेडिटेरेनियन डाइट हैज अ लॉट ऑफ ऑलिव ऑयल इन देयर फूड प्रोडक्ट्स. तो अगर अपने डाइट में अगर अपन ऑलिव ऑयल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आलमंड्स, then walnuts, ये सारी basic चीजें अगर incorporate कर सकते हैं, then we can give them around 3 months to probably just maintain the AMH. और आप believe नहीं करेंगे, काफी women, around 20% of the women will conceive in this much time just by these small changes.
But there are a lot of women jinko nahi hota hai. You know, there are a lot of women who will not conceive, and then the women who don't conceive have to opt for assistance. So that is a good point here. Mediterranean diet आप try कर सकते हो. अगर आपको conceive होने में problem आ रहा है directly बिना test कराए भी, that can be just added up into your diet habit. That is a good app. Right? और फिर भी अगर issue हो रहा है, you can contact a gynecologist, do an AMH test and आपको पता चलेगा. So what else? What else does AMH tell us about? कोई और चीज है जो AMH हमें बताता है? एक important चीज है जो एक social stigma जैसा है AMH को लेकर. काफी बार जिन विमेन में एएमएच की वैल्यूज लो होती है ना, उन सिचुएशन में लॉट ऑफ टाइम्स दे आर गिवन एन ऑप्शन टू कंसीडर एग डोनेशन. मतलब कंसीडर बोरोइंग एग्स फ्रॉम आउटसाइड. विकी डोनर में कैसा स्पर्म डोनेशन लेते हैं वैसा, यू नो, एंड दैट इज समथिंग विच रियली अफेक्ट्स देम. ये चीज उनको बहुत अफेक्ट करती है. विमेन डोंट रियली वॉन्ट टू गो फॉर जेनेटिक मटीरियल ऑफ समवन एल्स. फर्स्ट क्वेश्चन ही ये रहता है, डॉक्टर वो बच्चा मेरे जैसा दिखेगा? एंड द आंसर इज शायद नहीं दिखेगा. यू नो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि अगर आपके एक से बच्चा है तो वो आपको रिजेंबल करे. ऐसा कंपल्सरी नहीं है. बट व्हेन पीपल ट्राई एंड ऑप्ट फॉर अ डोनर, वो उनका माइंडसेट थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है. एंड आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि वो क्लैरिटी उनमें होनी चाहिए कि इवन इफ द एएमएच इज वेरी लो, दे कैन स्टिल कंसीव विद देयर ओन एग्स. एंड फॉर्चुनेटली अभी ये जो रीजनरेटिव थेरेपीज आई है ना, रीजनरेटिव रिप्रोडक्शन, स्पेशली स्टेम सेल थेरेपीज है. आपने सुना होगा पीआरपी इज पुट इन द हेड टू इंक्रीज द हेयर ग्रोथ. लाइकवाइज पीआरपी कैन बी एक्सपेरिमेंटली पुट इन साइड द ओवरी टू ट्राई एंड सी टू इट कि दीज फॉलिकल्स विच आर गोइंग टू डाई ऑफ नो, दे कैन बी रिक्रूटेड. उनको संभाल के रख सकते हो. उसी हिसाब से हम ओवरीज के अंदर स्टेम सेल्स डालते हैं, जो बोन मैरो में से निकाल के भी आइसोलेट द स्टेम सेल्स, एंड दी स्टेम सेल्स आर पुट इन द ओवरीज. एंड यू विल नॉट बिलीव, ट्रस्ट मी, आई थिंक वी वुड हैव हैड ऑलरेडी अराउंड 30 टू 40 वुमेन हु हैव कंसीव्ड आफ्टर दैट. Oh, that's very nice. So is it actually in studies or ye practically aa gaya hai? It's currently in the experimental stage. So currently I think probably I have the largest series in our country, in India, and we've tried this in more than 150 women so far, and around 20-25 of them have already conceived post that. That's very nice. Yeah. So bhai, aur bahut badi cheez ho gayi. Aap this is new, this is something new. This is the first thing which I've heard, a practical application of stem cell therapy in reproduction, right? So bhai, ye for those who have tried and because of this issue, jinko actually there are patients who would like to, you know, benefit with this kind of process, bahut sare hote hain. So bahut acha laga janke, aur I am sure many people would benefit by this. And aapka bhi dekho, doctor saab ka main contact information niche de dunga. Aap inke channel pe jao, inse contact karo. Agar aap mein kisi ko bhi koi prakar ka, we have a very good video on stem cells on our YouTube channel. Very good video. I mean, on how the stem cells are prepared and how they are taken out from the body and how they are injected in the ovary. Yeah, so definitely, ये video का link आप मुझे देना, I'll put it down inside. I'll give you the link. And there is a question: what are good levels of AMH? See, good levels. Technically speaking, the best value to have of AMH is anything between 2 to 6 or 3 to 8. That's the best value, depending on which laboratory you are doing it from. Correct, but for all wise purposes, anything less than 1.5 is considered to be a low AMH. Okay, so one more question. 2.3 AMH hai and not conceiving naturally. What exactly is the problem? See, remember, when you talk of conception, AMH is not the only thing. Unfortunately, conceive karne ke liye, you need close to 50 factors. You know, or testing sirf 5 ki available hai. AMH, uterus ki ultrasound, fallopian tubes or sperm test. Isko chhod ke kisi ki testing available nahi hai. So there is a high probability that probably you should get your husband tested. If your AMH is normal, get your husband tested, get additional investigations done. And if it is still not happening, 50% of the couples fall in the category of unexplained infertility. You know, jisme koi explanation hi nahi hai, kyunki koi testing available nahi hai. I believe 5 years down the line, there will be more testing available. And I think that will make life easy for women. But otherwise, it's difficult to deal with that. Yeah, absolutely. I completely agree. There are so many things which we can see that, okay, this is probably wrong, but there is no special test to exactly prove that in that person. But definitely, I would say ki aise situations mein ek achha doctor guide zarur bahut badhiya se kar sakta hai. Ultimately,
अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, तो है कि नहीं? सो मेन चीज जो करनी है हमें तो वो अचीव करना है, राइट? सो वी आर नॉट बिहाइंड दैट, सो इट्स ऑल अबाउट प्रॉपर गाइडेंस. सो आई अगेन से कि देखिए, आपका काम है एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना, हमारा नहीं है. ठीक है, हर डॉक्टर अच्छा हो ये पॉसिबल नहीं है, हर टीचर अच्छा हो ये पॉसिबल नहीं है. सो ये आपका काम है कि आपको अच्छा डॉक्टर ढूंढना है, वो डॉक्टर आपको गाइड करेगा, जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपकी डिफिकल्टी है, वो सॉल्व हो जाएगी डेफिनेटली. सो एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट ढूंढिए अपने आसपास, एंड इफ यू हैपन टू बी इन मुंबई देन यू कैन कॉन्टेक्ट डॉक्टर जय इन श्री IVF क्लिनिक. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वॉज अ प्लेजर अगेन. तो 20 मिनट ज्यादा हम लेंगे नहीं, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है. एंड वी डेफिनेटली लव कि आगे चल के ऐसा कोई, अगर मैं वो रखूंगा अपने यूट्यूब पे कि अगर कोई और टॉपिक उनको चाहिए, वी विल डेफिनेटली डिस्कस सच टॉपिक्स विथ यू. एंड आई एम ग्लैड यू कुड टेक आउट सम टाइम, एंड थैंक यू सो मच अगेन. It's always my pleasure, Dr. Paramjeet. Take care and stay safe. Thank you. Bye-bye.